दोस्तों मेक चौक पावर में आप लोगों का स्वागत है। ये गुल्ली बुल्ली और खूनी जसर का पहला पार्ट है। तो दोस्तों गुल्ली बुल्ली और पोटी भाई शवर आज शाम को बहुत सारे छोले भटूरे खाया था, जिसके कारण पोटी भाई शवर के पेट में कुछ गड़बड़ हो गया और वो ये दर्द सहन नहीं पा रहा था। और इधर गुल्ली और बुल्ली पोटी भाई शवर के लिए नेट पर दवाखाना ढूंढ रहा था। काश पास में कोई दवाखाना मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। इधर गुल्ली बुल्ली को बोल रहा था आस्ते से ढूंढो, देखो मिल जाएगा। और बुल्ली गुल्ली को बोल रहा था कि पास में कोई दवाखाना मिलना नामुमकिन है, फिर मैं देखती हूँ। और वैसे ढूंढते ढूंढते एक दवाखाना मिल गया। और ये दवाखाना देखने में कुछ अजीब था। वो पुराना हॉस्पिटल में जाने के लिए वो तीनों रेडी हुआ और गाड़ी के पास चल दिए। पोटी भाई शवर का हालत बहुत खराब है, इसलिए इन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। रात भी बहुत हो गया, पता नहीं डॉक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी हॉस्पिटल तो जाना ही होगा, क्योंकि वो हमारे एक लौता पोटी भाई शवर है, उसको इलाज जरूर कराना चाहिए। ये सोचते सोचते वो तीनों जंगल के पास से चल दिए। दूर दूर तक कोई हवेली के निशाना नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। ऐसे ही चलते चलते वो तीनों अस्पताल के पास पहुंच गए। ये अस्पताल खूब सुनसान लग रही है, ऐसा लग रही है कोई यहाँ पे नहीं है। इसलिए वो तीनों गाड़ी से उतरा और अस्पताल की तरफ जाने लगा। और जाते जाते ये तीनों रुक गए। लेकिन क्यों रुक गए, ऐसा क्या हुआ? लगता है ये तीनों ऐसा कुछ देख लिया जो इनकी उम्मीद नहीं थे। अरे ये क्या, अस्पताल की सिक्योरिटी ऐसे क्यों भागा? अरे बाप रे, वो क्या था जो सिक्योरिटी को मार दिया? लगता है यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। अरे ये कौन है और ये इसको मार ही क्यों रही है? अरे ये तो जैसन है, खूनी जैसन, ये यहाँ पे कैसे आ गया? अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है, भागो भागो। खूनी जैसन बहुत बुरी तरीके से सिक्योरिटी को मार दिया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और पोटी भाई शवर वहां से भाग गया। लेकिन ऐसा लगता है आज इन तीनों को कोई खेल नहीं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और पोटी भाई शवर बहुत डर गया और वो तीनों जंगल की तरफ भागा। लेकिन खूनी जैसन बहुत ही चालाक है, कैसे भी ये उन तीन लोगों को ढूंढ लेगा। और इधर वो तीनों भागता ही चला। खूनी जैसन बहुत गुस्सा होके गुल्ली बुल्ली और पोटी भाई शवर की पीस पीस जाने लगा। खूनी जैसन कुछ दूर जाने के बाद इधर उधर देख रहा था कहीं गुल्ली बुल्ली मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगा। लेकिन गुल्ली बुल्ली भी बहुत चालाक है, वो तीनों ऐसा जगह छुपेंगे जहाँ पे ढूंढ कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर खूनी जैसन जाते जाते एक पेड़ के नीचे रुक गए और इधर उधर देख रहा था, लेकिन इधर उधर कोई नहीं दिखा। इसलिए खूनी जैसन का गुस्सा और भी बढ़ गया। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और पोटी भाई शवर तो यह है, लगता है ये तीनों बहुत अच्छा प्लान बनाया। गुल्ली बुल्ली और पोटी भाई शवर पेड़ के ऊपर बहुत अच्छे से छुपे हुए थे। लगता है पोटी भाई शवर का पोटी आ गया और वो बुल्ली को बोल रहा था कि मुझे बहुत जोर से पोटी आया है। बुल्ली बोल रहे थे कि अरे शवर, ये पोटी करने की कोई वक्त है क्या, तुम चुपचाप बैठे रहो। लेकिन पोटी भाई शवर ये मानने के लिए राजी नहीं थे। ऐसे बोलते बोलते पोटी भाई शवर बहुत जोर से एक पात फोड़ा और इधर बुल्ली को बहुत गुस्सा आया और वो पोटी भाई शवर को बोला, अरे तुम चुतिया हो क्या, इतने जोर से कोई पात फोड़ते है क्या? लेकिन आपको उस फायदा नहीं है। ये पात फोड़ने की आवाज जैसन के कान में पहुंच गए और खूनी जैसन ये तीन लोगों को देख लिया। लगता है ये कुछ ढूंढ रहा है पेड़ पर चढ़ने के लिए। लेकिन खूनी जैसन खुद कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो पोटी भाई शवर को मारने जा रहा था। और बुल्ली पोटी भाई शवर को बोल रहा था कि शवर, तुम्हारी हाथ से तुम मेरे हाथ पकड़ो और यहाँ पे आ जाओ। ये बात सुनकर पोटी भाई शवर बुल्ली की तरफ जाने लगा, लेकिन पोटी भाई शवर का पैर फिसल जा रहा था, लगता है ये पड़ जाएगा। अरे ये क्या, पोटी भाई शवर सांस-फूस पेड़ से पड़ गया। लगता है पेड़ से गिरने के बाद पोटी भाई शवर को बहुत चोट आया।
ये सब देखकर खुड़ी ससुर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसकी शिकार हाथ में आ गया। फिर वो खुद कर शॉन की तरफ गया। शॉन को बहुत डर लगा और वो बैठ गया जमीन के ऊपर। लगता है आज कुछ गलत होने वाला। और इधर गुल्ली और बुल्ली पेड़ के ऊपर से बहुत जोर से पुकार रहा था, अरे खूनी जैसोन, हम लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो, उसे छोड़ दो, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन खूनी जैसोन किसी की नहीं सुन रहा था। दोस्तों, पोटी बॉय शॉन का क्या होगा, ये हम देखेंगे अगली पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए।